मशहूर अभिनेत्री सुलोचना लाटकर और मशहूर टीवी सीरियल महाभारत में शकुनी मामा की भूमिका निभा चुके गोफी पेंटेल का निधन हो गया। इस खबर से पूरी इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा है। सत्यप्रेम की कथा का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ट्रेलर में कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की केमिस्ट्री पर फैंस प्यार लुटा रहे हैं। फिल्म में जहां कार्तिक सत्यप्रेम के रोल में नजर आएंगे, वहीं कियारा का नाम कथा है। एयरपोर्ट लुक को अलविदा कहने के बाद कंगना ने महारानी लुक से सोशल मीडिया पर मचाया गदर, फैंस ने लुटाया प्यार। वायरल हो रहा है इस एक्ट्रेस का फोटो। सिद्धार्थ चतुर्वेदी और नवया नवेली नंदा की डेटिंग की खबरें इन दिनों सुर्खियां बटोर रही हैं। इसी बीच इस रूमर्ड लव बर्ड्स को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया, जिसकी फोटोज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। टाइगर श्रॉफ का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो फुटबॉल खेलते नजर आ रहे हैं। वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस प्यार लुटा रहे हैं। रिलीज होने से पहले फिल्म अजमेर 92 विवादों में फंस गई है। जमीयत उलमा हिंद ने इस फिल्म के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया है और इसे बैन करने की मांग की है। जमीयत के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने कहा है, अजमेर शरीफ की दरगाह को बदनाम करने के लिए बनी फिल्म पर फौरन प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। अपराधी घटनाओं को धर्म से जोड़ने के बजाय अपराधों के खिलाफ एकजुट कार्रवाई की जरूरत है। ये फिल्म समाज में दरार पैदा करेगी। नसरुद्दीन शाह ने इसरो को लेकर अपनी बात रखी है और विवादित बयान देते हुए देश के प्रति चिंता जताई है। उन्होंने कहा है, ये दुख की बात है कि देश अपना वैज्ञानिक स्वभाव खो रहा है। बड़े लोग कहते हैं कि समय के साथ देश के लोग विज्ञान से दूर जा रहे हैं और अंधविश्वासों में विश्वास करने की ओर वापस जा रहे हैं, जो कि खतरनाक बात है। प्रियंका चोपड़ा ने माँ के साथ बियॉन्से के कॉन्सर्ट में जमकर मचाया धमाल। जबरदस्त डांस से लूटी लाइमलाइट। काजल और अजय देवगन की लाडली निशा भी आई नजर, दोस्तों संग उठाया मजा। सारा अली खान आज स्पॉट हुई। अपनी फिल्म को मिल रहे रिस्पांस पर सुनिए सारा ने क्या कहा। पिक्चर हिट है, हाँ मस्त है, सॉन्ग्स भी अच्छे हैं। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के खास मौके पर बॉलीवुड सेलेब्स ने दिया मैसेज, वीडियो और पोस्ट हो रहा है वायरल।